ओके दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल थ्री कैप्सूल को लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स के इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके लास्ट वीडियो में हमने सीन को सेट कर लिया था और ले मैनेजर को हमने थोड़ा सा समझा था। हम अपनी लास्ट फाइल ओपन करके उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई जस्ट लॉन्च माय एप्लीकेशन थ्री मैक्स। ओके, इस कंडीशन पे हम फाइल को छोड़ चुके थे। हमारे लेयर मैनेजर में हमें लेयर सारी दिख रही है, सब कुछ सही है। हमें ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्प्लाइंस में लाइन। ठीक है, हमने लाइन ली। ठीक है, एलिवेशन में हमें सिर्फ बाहर की फ्रंट वॉल से मतलब है, बाकी चीज़ें अगर हम नहीं बनाए तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एलिवेशन में आपके सिर्फ बाहर की वॉल्स ही शो होनी है, अंदर की वॉल्स आपकी किसी भी कंडीशन में विजिबल नहीं रहेगी। इस बेटर कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एलिवेशन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है इस फाइल में, तो हम सिर्फ बाहर की वॉल्स को बनाएंगे ताकि इजीली और जल्दी हम एलिवेशन बना लें। ठीक है, ऑटोकैड में जो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट है, वॉल्स है, इनके कलर्स हैं, ये चीज़ें हमें मैक्स में नहीं विजिबल हो पा रही। पिलर्स हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने उसे एक ही लेयर में रख दिया था और टेक्स्ट इंपोर्ट होते नहीं हैं। ओके, तो क्रिएट क्रिएट के अंदर ज्योमेट्री के पास में शेप्स, शेप के अंदर स्प्लाइंस, स्प्लाइंस में हमने सेलेक्ट किया लाइन। ठीक है, क्रिएट। यहाँ एक्चुअली हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है, हम कितना ही जूम करके लाइन क्रिएट करें वो परफेक्ट वर्टेक्स पर स्नैप नहीं होगी। अगर मैं अपने पुरानी जो लाइन बनाई उसको और जूम करके देखो तो ये लाइन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था उस वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है, स्नैप टूल। एस इसकी शॉर्ट की होती है, कीबोर्ड शॉर्ट की। हम 2D व्यूपोर्ट में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें इसकी और प्रॉपर्टीज दिख जाती है। ओके, स्नैप ऑन है। देन आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं वर्टेक्स पे आता है एक येलो प्लस का सिंबल एक्टिव हो जाता है और ये परफेक्टली स्नैप रहेगा मेरी वॉल और मेरे वर्टेक्स से। ठीक है, तो हम वॉल क्रिएट करते हैं स्नैप के साथ। राइट क्लिक करके हम ये ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें हमें वर्टेक्स से स्नैप करना है या किसी और प्रॉपर्टीज से भी स्नैप करना है, जैसे एजेस, ग्रिड लाइन, पाइवेट, फेसेस। अब यहाँ पे हमारे पास एजेस भी आ रही है। ओके, अगर ये दोनों मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर हम ऑफ करके देखें तो हमें ग्रिड पे भी स्नैप हो सकता है। ओके, क्लोज करते हैं हम स्नैप, वर्टेक्स स्नैप ही यूज किया करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। हम वॉल्स डिजाइन करेंगे, आई थिंक राइट क्लिक हो गया, अगेन लाइन, क्लिक 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 वॉल, मुझे स्पेस ड्रॉप करना है। ओके, अगेन लाइंस, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, गेट के लिए हमने जगह छोड़ी, विंडो के लिए हमें जगह छोड़नी है, गेट के लिए अगेन विंडो। जहां जहां हम वर्टेक्स क्लिक कर रहे हैं वहां वहां हमें एक सेगमेंट मिलेगा जिससे हम मैक्सिमम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने लाइन सेलेक्ट की, ये हमारी बन चुकी है और ठीक है, ये हमारे डिफॉल्ट में बनी है जो कि हमारे 3D ग्राउंड फ्लोर में बननी चाहिए थी। तो इस पर हमने राइट क्लिक करके इसे हम अपने लेयर में ऐड कर सकते हैं, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये जो लाइन है वो हमारी
थ्री डी ग्राउंड फ्लोर लेयर में मूव हो चुकी है। ओके, फिर से लाइन लेता हूँ और ये वॉल हमारी रह गई थी, इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, और ये वॉल भी है। ओके ठीक है। ठीक है, व्यूपोर्ट, हम वापस से होम स्पेस पे जाते हैं। देन कई बार व्यूपोर्ट हमें परेशानी दे सकता है, ऐसी सिचुएशन पे हम क्यूब के ऊपर, ये कॉर्नर पे जो हमारे क्यूब है उस पर क्लिक करके हम अपने होम पोजीशन पे जा सकते हैं व्यूपोर्ट की। हम देखते हैं हमने जो लाइन बनाई है वो प्लान से ऊपर है, तो ऑब्वियसली मैं प्लान की जो हाइट है वो मैंने ज़ीरो नहीं की है, हमें उसे ज़ीरो करना है सो दैट जो हम लाइन बनाए वो परफेक्टली उस पर स्नैप हो जाए। ओके फर्स्ट फ्लोर, टू डी फर्स्ट फ्लोर, ये टू डी सेकेंड फ्लोर, मैं लेस को थोड़ा रीनेम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, थ्री डी ग्राउंड फ्लोर। ओके ठीक है, वो एक लाइन, एक सेकेंड, ठीक है लाइन सेलेक्ट करेंगे। हम मॉडिफायर मेन्यूज, हमारे पास मॉडिफायर लिस्ट आती है, इसमें से हम कमांड लेंगे एक्सट्रूड, क्योंकि हम चाहते हैं इसे हाइट देना। हाइट अमाउंट हमने दे दिया 10 फीट। ओके एंड अभी बेसिकली व्यूपोर्ट शेडिंग जो है रियलिस्टिक है, इस वजह से मुझे ये सारी शेडो नॉइज चीज़ें दिखाई दे रही है, और रियलिस्टिक मोड की वजह से मेरी वर्किंग एंड सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो सकती है। बेसिकली मैंने फ्लो बनाया रियलिस्टिक में, बेसिकली आपको शेडो वगैरह का आइडिया लग जाता है। जैसे ही मैं इसे शेडेड करूँगा मैं व्यूपोर्ट काफ़ी लाइट हो जाएगा, स्मूथ वर्किंग करने लगेगा, पर मुझे शेडो वगैरह नहीं दिखाई देगी। ओके तो हम व्यूपोर्ट हमेशा शेडेड रखेंगे सो दैट हम इजीली वर्किंग कर सकें। इस लाइन को भी लेते हैं, इसी का एक्सट्रूड कॉपी करेंगे, इस पीछे की वॉल का इंस्टेंस पेस्ट। इंस्टेंस पेस्ट करने से फायदा ये होगा, जैसे ही हम अमाउंट किसी एक का बढ़ाएंगे दूसरे का भी ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में चेंज हो जाएगा। ओके ये वॉल रह गई थी, इस वॉल को बना देते हैं, क्लिक, ओके ठीक है। लाइन हमने सेलेक्ट की, हमारी ये वॉल भी सेपरेट हो गई। नाउ इसके ऊपर भी हम पेस्ट इंसेंस कर देंगे, हमारा एक्सट्रूड पहले से कॉपी था। ओके अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनहाइड ऑल। ओके बाकी के भी फ्लोर्स जो हैं उनकी वॉल्स क्रिएट करेंगे हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, और डोर विंडो वगैरह वो चीज़ें निकालेंगे। ठीक है काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर बना ही लेते हैं, सेम जहाँ वॉल थी मुझे वॉल के लिए जगह छोड़नी है, विंडो डोर के लिए जगह छोड़नी है, हर जगह मुझे वर्टेक्सेस की ज़रूरत रहेगी, तो मुझे वर्टेक्स सेलेक्ट, वर्टेक्स क्लिक करने हैं। ओके सेम एक्सट्रूड, ओके ये आ चुका। और अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करूँ तो सेकंड फ्लोर 99% मुझे 100% सेम ही लग रहा है। वॉल क्रिएट, ये विंडो के लिए हम जगह छोड़ दे देंगे,
एक वर्टेक्स क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर गलती से वर्टेक्स क्लिक हो जाए तो बैक स्पेस से हम उसे हटा सकते हैं। बैक स्पेस हट गया, ओके। डिलीट आप या अंडू करेंगे तो आपका वर्टेक्स वापस से नहीं जाएगा, आपको बैक स्पेस यूज करना होगा। ओके, मैंने इस वॉल को भी कंप्लीट कर लिया। द सेम थिंग, इसके ऊपर भी हमें एक्सट्रूड देना होगा, 10 फीट की हाइट देनी होगी। ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, तीनों फ्लोर के हमारे एक वॉल स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं, इनमें हमें डोर एंड विंडोज अब प्लेस करने हैं, ठीक है गाइस। जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेयर को लेयर्स में हम अपने सीन को अच्छे से मैनेज करके रखें तो हमारे बड़े सीन पे, हमें बड़े सीन पे काम करने में भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, क्लोज एंड सेव।